हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो इंस्टॉलिंग का मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आपको गूगल में सिंपली टाइप करना है टेक्स्ट स्टूडियो। ओके, टेक्स्ट स्टूडियो टाइप करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आएगा टेक्स्ट स्टूडियो डॉट ऑर्ग, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो डाउनलोड आएगा इस पे आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैं शो करूँ, यहाँ पे आपको शो कर रहा है लेटेस्ट जो है टेक्स्ट स्टूडियो 2.12.22। ओके, इस पे आप क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको सेव कर लेना है, जिसे मैं अभी शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डाउनलोड करके इसको सेव कर। ओके, जैसे ये देखिए यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो गया। इसको डाउनलोड करने के बाद आप जैसे सिंपली कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उस टाइप से इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। ओके, इसमें आपको ये विंडो दिख रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट। इसको आपको बाय डिफॉल्ट जो रहेगा इसमें आपको कर देना है, इसमें कोई चेंजेज नहीं करना है। जिसका ये चीज़ शो नहीं कर रहा होगा वो आप यहाँ पे ब्राउज में जाके ब्राउज में एक सी ड्राइव में जाना है। ठीक है, सी ड्राइव में एक प्रोग्राम फाइल करके होगा, आप ये सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे। प्रोग्राम फाइल में प्रोग्राम फाइल्स क्रोसेटी सिक्स, ये 32 बिट्स के लिए 64 बिट का होगा, तो आपको प्रोग्राम फाइल्स में कर लेना है। ओके, इसमें जाके आपको टेक्स्ट स्टूडियो फोल्डर में इंस्टॉल कर लेना है। ओके, जो यहाँ पे लोकेशन है। नेक्स्ट आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, तो ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाएगा। ये हो गया टेक्स्ट स्टूडियो जो टाइप सेटिंग हो गया। इसके डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन्स जो डाटा पैकेज यहाँ पर, तो उसके लिए आपको एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है माइक टेक्स्ट। तो आपको सिंपली गूगल में टाइप करना है माइक टेक्स्ट। ओके, इसका जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें मैंने यहाँ पे क्लिक किया, खुल के आपको जो फर्स्ट खुलेगा माइक टेक्स्ट .org, इस पर आपको क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओके, यहाँ पे मैंने इसको कर लिया। यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में जाना है, या फिर आप यहाँ पे सिंपली देख रहे होंगे यहाँ पे विंडो के लिए दिया, आप मैक के लिए, लिनक्स के लिए, जो भी आपके पास सिस्टम है आप उस पर उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है, देख लीजिए ये 234 MB का है। आप इसको जैसे लेटेक्स का आपने टेक्स्ट स्टूडियो डाउनलोड किया था उसी तरह इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया डाउनलोड के लिए। यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है और ये डाउनलोड हो जाएगा थोड़ा सा टाइम। मेरे पास ये फाइल पहले से डाउनलोडेड है, सो ये फाइल आपका इस टाइप से शो होगा जब ये डाउनलोड हो जाएगा माइक टेक्स्ट। इस पर आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है जैसे बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ये ऑफलाइन के लिए, विदाउट इंटरनेट आप माइक लेटेक्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेक्स्ट स्टूडियो होगा जो इंटरफेस आप यूज करेंगे और जिसका डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो माइक टेक्स्ट होगा। आपने यहाँ पे सिंपली एक्सेप्ट कर लेना है, नेक्स्ट करना है। इसमें बाय डिफॉल्ट एक ही आ रहा है, तो आप में जो भी होगा या तो ऑल यूजर्स के लिए या फिर करेंट यूजर के लिए आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आएगा प्रीफर्ड, फिर आस्क मी फर्स्ट। तो यहाँ आप क्या करना है, इसको एस कर देना। ओके, इसमें क्या होगा, जो बहुत सारे जो रिसेंट पैकेज हैं या फिर जो अपडेट्स आया हुआ है, तो अगर आप नो या आस्क मी करेंगे तो क्या करेगा, आपको जब भी अपडेट करना होगा पूछेगा। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई आप पैकेज यूज करते हैं, सपोज इट वो पैकेज का डाटा आपके इसमें माइक टेक्स्ट में नहीं है, तो फिर एरर शो करेगा। तो इसमें क्या होगा, जब आपके इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। ओके, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड इंस्टॉल होने के बाद ये माइक टेक्स्ट है, सॉरी टेक्स्ट स्टूडियो है, तो ये इस टाइप से खुलेगा। ओके, तो जो फर्स्ट टाइम आप खुलेंगे तो किस टाइप से बोला, मैं इसको शो कर दे रहा हूँ, आपका इस टाइप से विंडो शो करेगा। ओके, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपको तो पहले इस फाइल को सेव कर लेना है, कंट्रोल प्लस एस, या फिर फाइल में जाके आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैंने कंट्रोल प्लस एस कमांड यूज किया, आप यहाँ फाइल में भी जाके कर सकते हैं सेव या सेव है। ओके, मैंने सेव किया समथिंग टेस्ट नाम से, टेस्ट। ओके, अब मैंने टेस्ट क्लिक कर दिया, ये जस्ट सेटअप का है। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं उसमें क्या, और इसमें अब PDF आपको समथिंग लिखना होगा। तो मैंने बताया था आपको विजार्ड्स में जाना है, विजार्ड में क्विक स्टार्ट पे जाना है। क्विक स्टार्ट पे
जैसे बीमर बीमर पावर पॉइंट सॉरी प्रेजेंटेशन के लिए आपको आर्टिकल पर क्लिक करना है, आप रिपोर्ट लेटर बुक जो भी लिखना चाह रहे हैं उसको आपको क्लिक कर लेना है। ओके, आर्टिकल के बाद पॉइंट आपको सेट करना है, तो आपने 12 पॉइंट आपको चूज कर लेना है। पेपर साइज A4, इनकोडिंग UTF-8, आप पेपर अपने अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, तो जनरली A4 हम चूज करते हैं रिसर्च में। फॉन्ट इनकोडिंग T1 आपको रखना है, बेबल नन रखना है। ये तीनों ऑप्शन बाय डिफॉल्ट में भी ये आपका सेकंड डे अनटिक रहेगा, तो आपको तीनों ऑप्शन टिक कर लेना है। ओके, यहाँ पे आपको ऑथर नाम दे देना है, जैसे फर्स्ट ऑथर हो गया, कोमा देके सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर। ओके, टाइटल आप जो भी पेपर का रखना चाहें आप टाइटल यहाँ पर रख सकते हैं, लर्निंग लेटेस्ट मैंने ये दे दिया। इसमें आप एडिशनल कुछ जैसे ट्रिपल ई के पेपर वगैरह में टू साइड्स होता है, या फिर आप कुछ रिपोर्ट लिख रहे हैं या फिर सिनोप्सिस लिख रहे हैं, तो आपको टाइटल पेज की जरूरत होती है, तो आप फ्रंट पेज जो बनाते हैं उसके टाइटल पेज, ये सब नेक्स्ट वीडियो में सब किया हुआ है। ओके, तो आपको एक अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना, मेरे को इसमें से कोई चीज़ नहीं सिलेक्ट करना, तो मैं जस्ट ओके करके करूँगा। ओके, अब आपको बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम कि यहाँ पे विंडो शो नहीं करता, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये जो आइकन है इस पर जस्ट क्लिक, क्लिक करने के बाद अभी ये ब्लैंक शो करेगा, कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे समथिंग लिखेंगे तो ये रन करने के बाद, जैसे मैं लिखना है आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी इसे रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं, किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इंस्टॉलेशन या फिर जो भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई कैन नॉट राइट, मे बी समथिंग इज टेक्स इज ना, आई कैन नॉट राइट, ओके आई थिंक समथिंग प्रॉब्लम। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो हमने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा, अब इसके आगे बहुत सारे कमांड हैं। ओके, तो आप कमांड वन बाय वन यूज करते जाएंगे, जैसे मेरे को टाइटल बनाना होगा तो आपको मेक टाइटल यूज करना होगा, अदरवाइज आपका टाइटल और जो ऑथर नेम है वो शो नहीं करेगा। ठीक है, तो मेक टाइटल में डिफिनेशन इनबिल्ट होता है कि टाइटल का मतलब होता है ये चीज लेगा, ऑथर का मतलब ये होगा, तो जो भी इसमें मीनिंग है ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको मेक टाइटल यूज कर लेना है। मेक टाइटल क्या करेगा, यहाँ पे आपका टाइटल सीरीज देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे टाइटल डाला था टाइटल आ गया, और जो ऑथर था ऑथर आ गया, बाय डिफॉल्ट डेट आ गया, आप डेट हटा भी सकते हैं वो सब नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से आप क्विज सेट कर सकते हैं लेटेक्स एंड माइक टेक्स इंस्टॉल करके। ओके, ये तो हो गया ऑफलाइन, सपोज डेट आप ऑनलाइन करना चाहते हैं। ओके, मीन्स आपके पास सिस्टम नहीं है या फिर आप मैंने दो मेथड की बात किया था, फर्स्ट मेथड था ऑफलाइन और सेकेंड मेथड था ऑनलाइन, तो ऑफलाइन का आपने तरीका सीख गया, अब मैं आपको ऑनलाइन का बताता हूँ। ओके, तो ऑनलाइन के लिए हम लोग ओवरलीफ यूज करेंगे। ओके, आपको गूगल में सिंपली ओवरलीफ टाइप करना है। ओके, जो फर्स्ट लिंक आएगा ओवरलीफ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद ये कुछ इस टाइप से ओपन होगा। ओके, इसमें आपके पास अगर अकाउंट है ओवरलीफ पे तो इट्स ओके, अदरवाइज यू हैव टू क्रिएट अ अकाउंट। टू क्रिएट अ अकाउंट जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर। ओके, you have to fill some information and then after it will create account. okay, you may create your account using your Google ID or free or your Orchid ID or by just putting your email and setting a password. okay, and after entering these details click on register using email. okay, I have already account on it, so I am showing how it looks after registering. एक्चुअली यहाँ पे मैंने पहले प्रैक्टिकल करवा रखा है तो कुछ भी वो है, तो मैं आपको सिंपली आपके पास ये सारा ब्लैंक रहेगा। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अगर आपने ऑफलाइन मीन्स आपने टेक्स्ट स्टूडियो कोई फाइल बना रखा है तो आपको उसको इम्पोर्ट कर लेना है, अदरवाइज आप यहाँ से एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैंक मैंने लिख दिया लेटेक्स। मेरा बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो रहा है। ओके, ऑनलाइन का फायदा है कि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मींस आप होम में कहीं पे भी, मींस ऑफलाइन में होता क्या है कि हमारे पास अगर सिस्टम नहीं है, सारा डाटा हमारे कंप्यूटर में होता है, तो फिर दिक्कत होता है उस चीज को हमें सॉल्व करने। मींस एज्यूम करिए कि मेरा लैपटॉप इंस्टीट्यूट में है और मैं कोई पेपर लिख रहा हूँ और घर पे आया और किसी कारणवश मैं जा नहीं पाया, तो फिर मैं तो इंस्टीट्यूट में जब तक नहीं जाऊंगा तब तक कुछ डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके एक बेनिफिट ये भी है
कि आप कभी भी कोई भी टेक्स्ट या जो भी डॉक्यूमेंट अपना लेटेक्स पे टेक्स्ट स्टूडियो पे लिखे उसको आप यहाँ पे भी अपलोड कर दें। इससे फायदा होगा कि इसको आप यहाँ से भी करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से बाय डिफॉल्ट देखिए आपने जो नाम इंटर किया था रजिस्ट्रेशन के दौरान वो चीज यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली एज ऑथर आ जाएगा और जो मैंने प्रोजेक्ट नेम इंटर किया था वो एज अ टाइटल आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट इतना डिटेल्स इसमें इंटर है, आपको डायरेक्ट लिखना शुरू करना है। ओके, मैंने जैसे इंट्रोडक्शन लिख दिया, ये मेरा एक्चुअली सेट किया हुआ है तो आगे आप भी ऐसे सेट कर सकते हैं। समथिंग इंट्रोडक्शन के अंदर लिख रहा है दिस इज अगर किसी पार्टिकुलर टॉपिक आपको यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे कंपाइल पे क्लिक करना है। कंपाइल पे क्लिक करने के बाद जो आप यहाँ पे नया ओके विजुअल नहीं होगा, वेट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ, आई थिंक अभी विजुअल होगा। आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे लिखने के बाद आपको रिकम्पाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। पीडीएफ का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, होप अब दिख रहा होगा। ओके, मैंने यहाँ पे जो लिखा वो यहाँ पे अपियर हो गया। तो इसमें बहुत सारे कमांड्स हैं, जैसे न्यू लाइन के लिए आप डबल स्लैश डबल बैक स्लैश यूज करेंगे या फिर न्यू लाइन कमांड यूज करेंगे। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दिस इज न्यू लाइन, आप डबल बैक स्लैश यूज कर सकते हैं, ये भी न्यू लाइन करें। दिस इज Now click on recompile and then after it will appear here. Look here. This things, this line comes in next line and this line comes in next line. Okay. So for new line you will use either new line command or double backslash. Okay. So similarly a lot of things are there. You may either work here or you may work on Text Studio. There are lot of features in Text Studio. For example, suppose you want to prepare a beamer, you may click on quick beamer and enter some details and this will you may also show here overview by changing its format. This is another format for preparing beamer. You may choose according to your requirement. Okay, or whatever design you want you may design. Okay, this is a lot of things are there. You may see. तो ये फीचर आपको ओवरलिप में नहीं मिलेगा, ओवरलिप में आपको मैन्युअली टाइप करना होगा। ओके, लेकिन ओवरलिप का एक बेनिफिट है कि आप जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्विक स्टार्ट में शो किया तो क्विक बीमर पे शो किया, तो ये सारे ऑप्शन वहाँ पे कमेंट के साथ आता है, आप जिस पे भी अनकमेंट करेंगे वो चीज शो हो जाएगा। कमेंट्स के लिए हम इसमें परसेंट यूज करेंगे। ओके, जैसे कोई कमेंट में इसको शो करना चाह रहा हूँ कि This is, okay. Run करने के बाद इस लाइन को शो नहीं करेगा। इसे मैं लिख रहा हूँ okay. तो आप इस परसेंट के बाद जो भी लाइन लिखेंगे जो भी डाटा लिखेंगे इसको शो नहीं करेगा। ये कमेंट के लिए यूज होता है, जो ह्यूमन रीड के लिए होता है, मीन्स इसको सिस्टम रीड नहीं करेगा, ये नेक्स्ट लाइन ये रीड हो जाएगा। ओके, अभी मैं इसको रिकम्पाइल पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन के बाद ए लाइन आ गया और इसी को इसने स्किप कर दिया। इस टाइप से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी रहा, या तो आप ईमेल पर कर सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपका जो भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पुट कर सकते हैं। अगर किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो रिक्वायर्ड हुआ तो उस पर हम वीडियो भी प्रिपेयर कर देंगे। ओके, थैंक्स। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में क्वेरी पुट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे भी चाहता है कि लेटेक्स में जैसे प्रोजेक्ट कैसे लिखें या कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कैसे लिखें, इक्वेशन कैसे लिखें, ग्राफ कैसे इंसर्ट करें, तो आप उसमें इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उसका भी वीडियो बना के आपको सब शेयर कर सकें। आप लैंग्वेज भी चाहें तो हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज में बोलेंगे उस लैंग्वेज में भी बन जाएगा। ओके, अगर कोई वर्कशॉप भी कुछ भी आप इस टाइप से लेटेक्स पे करवाना चाहते हैं आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, ईमेल ले रहा और टेलीग्राम ग्रुप आप पी कालिका मैथ्स लिखेंगे वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
थैंक यू।